हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आइडल देव क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है, आपको जो लर्निंग एप सामग्री क्लास सिक्स की इंग्लिश में प्रोवाइड की गई है, उसको लेकर हम उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम आसान भाषा में आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसकी एक सीरीज चला रहे हैं आइडल देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। उसी सीरीज़ की कंटिन्यूटी को मेनटेन करते हुए स्टूडेंट्स, आज हम आपको नेक्स्ट एक्टिविटी को आसान भाषा में समझाएंगे। तो बिना किसी देरी के हम एक्टिविटी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सी एक्टिविटी आज हमें समझना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि पहले की एक्टिविटी की तरह ये एक्टिविटी आपको बेहतर ढंग से समझ में आएगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमें E514 है ना, 514 है, 514 लर्निंग आउटकम गेम सामग्री वाली, उसकी एक्टिविटी को समझना है। ठीक है, चलो देखते हैं। एक्टिविटी नंबर वन क्या बोल रहा है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली, है ना, पिक्चर को ध्यान से देखो और आंसर करना है क्वेश्चन के जो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये साल्ट कौन सा है, निक्कू साल्ट, कैसा है, आयोडाइज, इसका नेट वेट कितना है 1 kg, MRP कितना लिखा है 6.5 रुपये। ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें, कॉमन साल्ट है ना, और ये क्या लिखा हुआ है, आयोडीन है। ठीक है, चलें बढ़े आगे की तरफ, अब हमें क्वेश्चन आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन आंसर क्या है, राइट द नेम ऑफ द साल्ट, साल्ट का नाम क्या था, निक्कू साल्ट, यहाँ पर नेम लिख गया निक्कू साल्ट। इज़ द साल्ट आयोडाइज, साल्ट आयोडाइज था तो क्या हो गया, यस द साल्ट आयोडाइज, अंडरलाइन द वर्ड गिवन इन द पिक्चर, जो पिक्चर में सब दिया गया है ना आयोडीन वाला, उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। देखो ये, इसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, बड़े आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज़ द नेट वेट ऑफ द सॉल्ट, व्हाट इज़ द नेट वेट ऑफ द सॉल्ट, सॉल्ट का नेट वेट क्या है 1 kg, व्हाट इज़ द MRP गिवन इन द पैक, MRP कितना दिया गया है पैक में, रेट क्या है 6.5 रुपये, यहाँ 6.5 रुपये लिख दिए। व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स मेंशन्ड इन द पैकेट, कौन कौन से जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स मतलब कौन कौन सी सामग्री उस पैकेट में डली गई है, तो क्या क्या डला गया, कॉमन साल्ट, आयोडीन है ना, आयोडीन कितना डला 30 ppm पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दी, कॉमन साल्ट और आयोडीन इसमें पैकेट में इंग्रेडिएंट्स के रूप में मेंशन है। ओके, बढ़े आगे की तरफ, एक्टिविटी नंबर टू है, एक्टिविटी नंबर टू में भी हमें क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग थिंग्स आर सोल्ड इन टी स्टॉल इन भोपाल, मतलब ये जो नीचे सामग्री दी गई है वो एक जो स्टॉल लगता है टी का, चाय का ठेला भोपाल में, उसमें वो बिकती हैं, सोल्ड यानी बेचा जाता है, तो उन्हें हमें ध्यान से पढ़ना है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आंसर होंगे, है ना। चलो देखते हैं, तो देखो कितनी सामग्री बेची जा रही है, 10, क्या क्या बेचा जा रहा है, भेलपुरी, समोसा, लस्सी, खीर, लड्डू, पोहा, जलेबी, मैंगो, मैंगो जूस यानी आम का रस, मिल्क यानी दूध, टी यानी चाय, कहाँ बेचा जा रहा है, गोलू टी स्टॉल, कौन सी रोड है, स्टेशन रोड, कहाँ पर, भोपाल में। देखें आप क्वेश्चन आंसर, देखो पहला क्वेश्चन आंसर क्या बोल रहा है, राइट द नेम ऑफ द टी स्टॉल, टी स्टॉल का नाम क्या है, गोलू टी स्टॉल, वेयर इट इज सिचुएटेड, वो कहाँ से सिचुएटेड है, स्टेशन रोड भोपाल में। विच फूड आइटम वुड यू लाइक टू बाय फ्रॉम द स्टॉल, कौन सा फूड आइटम हम वहाँ से खरीदेंगे, जलेबी खरीदेंगे, पोहा खरीदेंगे, चाय, है ना। हाउ मेनी फूड आइटम्स आर सोल्ड एट द टी स्टॉल, टी स्टॉल में कितने सामान सोल्ड होते हैं, सोल्ड यानी बेचना, तो 10 आ गया, आया समझ। बड़े नीचे की तरफ, अभी क्या बोल रहे हैं, राइट द, क्या बोल रहा है, राइट द नेम्स ऑफ ऑल द फूड आइटम इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो ऊपर आपको फूड आइटम दिए गए हैं ना उनको लिखना है, तो मैं लिखने की कोशिश की हूँ, बताता हूँ। जैसे देखो, भेलपुरी, बी से स्टार्ट हो रहा है, पहले बी वाला आएगा तो भेलपुरी लिख दिया, फिर बी के बाद जे वाला आएगा तो फिर जलेबी लिख दिया, फिर जे के बाद के वाला आएगा तो फिर खीर लिख दिया, फिर एल वाला आएगा तो यहाँ पे लड्डू लिख दिया, LADDO, लड्डू, लड्डू पहले आएगा लस्सी से, है ना, क्योंकि एस से पहले डी का आता है लेटर, तो लड्डू पहले आएगा, फिर लस्सी आएगा, फिर मैंगो जूस आएगा, फिर मिल्क आएगा, फिर पोहा आएगा, फिर समोसा आएगा, फिर टी आएगा। ठीक है, इन सब के नाम आप सब जानते हैं, मुझे इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं, फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना था। ठीक है ना, बढ़े आगे, चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। इस एक्टिविटी में इतना ही दिया गया था, यदि इससे संबंधित आपको जो हमने एक्सप्लेन किया कुछ डाउट रहता है आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यदि आपको हमारा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को जरूर से जरूर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। कुछ सुधार करवाना चाहते हैं या कुछ और लेक्चर सीरीज स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बेझिझक बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।